बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स इज माय ड्रीम। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को ईजिली मिल जाए। एंड वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि किसी को भी मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एंड आप लोगों को क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में किसी स्टेप की कोई बात समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेट्स वी मूव आवर स्टडी। मैं आपकी होस्ट खुशी। हम एक्सरसाइज 2.1 कर रहे थे। हमने एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट टू क्वेश्चंस कर लिए थे। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन। ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमने यहाँ से के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्सप्रेशन हमारे पास है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4 इज परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारे पास उसने खुद बता दिया हमें कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है। आपने इस एक्सप्रेशन से के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसी तरह से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसी तरह से हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए ए बी सी की वैल्यूज़ जो हम इस एक्सप्रेशन से इजीली निकाल सकते हैं। ये मैं गिवन एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, एक्स प्लस 4। अब जो है हमें जो है यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है के की। तो जब हमें किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम जो इक्वेशन हमें दी गई होती है हम उसको इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं। यहाँ से हमने फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट, तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट को 0 रखूँगी। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है बी की वैल्यू पुट करूँगी। जो हम यहाँ से ए बी सी की वैल्यू हमें चाहिए, हम इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू क्या होगी, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है के स्क्वायर। और बी की वैल्यू क्या होगी, जो एक्स का कोफिशेंट है 2 इंटू के प्लस 1। और सी की वैल्यू क्या होगी, जो हमारी कॉन्स्टेंट टर्म है 4। अब हम इस डिस्क्रिमिनेंट में ये वाली वैल्यूज ए बी सी की पुट कर देंगे। बी की वैल्यू है 2 इंटू के प्लस 1 और ये स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू है के स्क्वायर एंड सी की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के अंदर मैंने ये वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब यहाँ पर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और के प्लस जो 1 है इसका होल स्क्वायर इज इक्वल माइनस है। अब ये 4 मल्टीप्लाई के स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 4 4 इंटू 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एंड मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लूँगी फार्मूले को। ये हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूले से मैं इसको ओपन करूँगी। यहाँ पर होगा के स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2k। ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी, 4 के स्क्वायर प्लस 4 टू द 8 के माइनस 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 4 के माइनस 16 के स्क्वायर में से माइनस होगा तो माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब जो है हमने जो हमारे पास होता है वो के स्क्वायर, जो हमारे पास स्क्वायर वाली जो टर्म का कोफिशेंट होता है तो उसको हमने पॉजिटिव मिलाना होता है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स को उठा के दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो 12 दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 12 के स्क्वायर और प्लस 8 के वहाँ जाकर माइनस 8 के,
और प्लस फोर दूसरे साइड पर जाकर माइनस फोर इज इक्वल टू थ्री। अब हमने इसकी जो है यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा आप यहाँ पर पेयरिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करूँगी, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसके कोफिशेंट को जो है मल्टीप्लाई कर दूँगी जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसके साथ माइनस फोर के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास माइनस का 48 आ जाएगा। अब हमने जो है ऐसे दो जो है नंबर्स लेने हैं कि उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 48 बने और जब उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास बने माइनस एट बनना चाहिए। तो हम उसके लिए हम इजी सा मेथड करते हैं, पेयरिंग करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, वन को जो है बहुत इजी मेथड है पेयरिंग करने का, वन को मल्टीप्लाई कर देंगे 48 के साथ। तो अब आपने देखना है अगर हम 48 में वन ऐड करें या माइनस करें तो हमारे पास माइनस एट नहीं बनेगा, तो ये पेयर हमारा रॉन्ग होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं टू पे, टू को टू मल्टीप्लाई, फिर अगर हम 48 को डिवाइड कर दें टू पे तो हमारे पास आ जाएगा 24। अब 24 में से आप माइनस करें 2 या फिर प्लस करें 2 तो भी हमारे पास माइनस 8 नहीं आएगा, ये फिर भी रॉन्ग हो गया। देन हम चलते हैं 3 पे, 3 मल्टीप्लाई 48 को 3 पर जब डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब 16 में हम प्लस 3 करें या माइनस 3 करें माइनस 8 नहीं आएगा, ये फिर भी रॉन्ग होगा। इसके बाद हम चले हैं 4 पे, जब हम 48 को डिवाइड करेंगे 4 पे तो 12 आएगा। अगर हम 12 में से जो है माइनस कर दें 4 तो हमारे पास आ जाएगा 8, लेकिन हमें माइनस का 8 चाहिए तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव 4 रख लेंगे और माइनस 12 रख लेंगे। जब माइनस 12 में से प्लस 4 जाएगा तो माइनस 8 बच जाएगा। ये हमारा पेयर ठीक है, हम ये वाला पेयरिंग यहाँ पर यूज़ करते हैं 12 के स्क्वायर एंड माइनस 12 के एंड प्लस 4 के माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 12 इन दोनों टर्म में से हमारे पास 12 के कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर k बचेगा और यहाँ पर माइनस 1, यहाँ पर हम प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, फिर बचेगा हमारे पास k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। k माइनस 1 एंड 12 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0, के माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 12 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। के माइनस 1 दूसरी साइड पर जाकर पॉजिटिव 1 एंड जो है यहाँ पर 12 के पॉजिटिव 4 दूसरी साइड पर जाकर नेगेटिव 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास है 12 इक्वल टू माइनस 4, 12 को दोनों साइड पर डिवाइड कर देंगे, 12 12 से कैंसिल, k इज इक्वल टू, अब ये देखिए 4 वन दा 4, 4 3 दा 12, माइनस 1 बाई 3, और यहाँ पर क्या है k इज इक्वल टू 1, पॉजिटिव 1। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो 1 एंड माइनस 1 बाई 3, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जो है लेक्चर समझ आया होगा। अगर इसके अलावा आप लोगों को कहीं से कोई स्टेप की समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दिया करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, मैथमेटिक्स इज़ माई ड्रीम। एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।